अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शैरल्स किचन। आज हम आपके साथ अपने किचन में बनाएंगे लौकी का भरता, बैंगन का भरता और आलू का भरता। तो आपने बहुत ही खाया होगा, आज हम ये नया यूनिक सा लौकी का भरता बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मीडियम साइज़ की लौकी ले ली है। देखिए लौकी कुछ इस तरह है, पतली जिसमें बीज कम हो। अब इसमें हम नाइफ से छेद कर देंगे, इस तरह से लंबे लंबे छेद करेंगे क्योंकि हमें इसमें लहसुन डालना है। तो इस तरह से हमें इसमें दूरी दूरी पर छेद कर देना है। अब देखिए इसमें हमने छेद कर दिए हैं। अब लहसुन ले लेंगे हम। हमने 12 से 15 लहसुन ले लिए हैं और उसको इस तरह से छेद में डाल देंगे। तो अच्छे से हमें दबाते हुए लहसुन को डाल देना है। इसी तरह बाकी के लहसुन भी हम पूरी लौकी में डाल देंगे। इससे ये होगा कि जब हम लौकी को भूनेंगे तो लहसुन भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, इससे लौकी के भरते में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए हमने सारे लहसुन इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लेंगे और लौकी पर इस तरह लगा देंगे। अब हमें इसको भूनना है तो हमने वायर नेट चूल्हे पर रख दिया है और लौकी को हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे से हमें इसको पलटते जाना है और लौकी को भूनते जाना है। देखिए इस तरह से हमें लौकी को भूनना है। सारी लौकी हम इसी तरह भून लेंगे। देखिए अच्छी तरह से हमारी लौकी भून रही है। पूरी लौकी को हमें इसी तरह मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। देखिए हमारी लौकी भून चुकी है। अब इसको ठंडा करके इसको हम छीलेंगे। तो नाइफ से देखिए इस तरह से हमें इसको, इसका जो काला छिलका है उसको उतार देना है। तो पूरी लौकी को हम इस तरह से छील देंगे। ये लौकी का भरता बहुत ही यूनिक स्टाइल का है और आप इसको ज़रूर बनाइए। ये भुना भुना बहुत ही टेस्टी बनता है। पूरी लौकी को हमने छीलने के बाद पानी से साफ़ कर लिया। अब इसका हम अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को काट देंगे। इसके पीसेस हम कर लेंगे और पीसेस करके इसको हम काट लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको काटा है। तो देखिए ज़्यादा बीज नहीं है हमारी लौकी में। आप देखिए अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में डालकर चॉप कर सकते हैं या तो आप इसको नाइफ से ही चॉप कर लें। तो मैं देखिए इसको नाइफ से ही इस तरह से बड़े बड़े पीसेस काट के फिर हम इसको चॉप कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें चॉप कर लेना है। आसानी के लिए आप चॉपर में डाल को इसको चॉप कर लें। तो पूरी लौकी को हमने इसी तरह चॉप कर लिया। कुछ इस तरह से इसके चंक्स होंगे। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें 2 बड़े चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, लगभग 100 ml होगा। 1 teaspoon इसमें ज़ीरा डाल देंगे और अच्छे से चटकने देंगे। अब देखिए ज़ीरा हमारा चटक चुका है। इसमें हम 1/4 teaspoon हींग डाल देंगे और अच्छे से इसको चला देंगे। अब इसमें हम 1 teaspoon चॉप जिंजर डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हरी मिर्च 5 से 6 हमने चॉप कर ली थी, ये भी डाल देंगे और साथ में ही इसको हम फ्राई होने देंगे। अच्छी सी देखिए इसमें खुशबू आने लगी है। अब इस टाइम पे हम इसमें 2 medium size की प्याज को चॉप करके डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। हमें इसको लाइट गोल्डन फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें नहीं चेंज करना है, बस थोड़ा सा ही इसको हमें फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए प्याज में कलर आने लगा है। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन कलर की हो गई है।
इस टाइम पे हम दो मीडियम साइज़ के टमाटरों को चॉप करके डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें हमने एक टीस्पून पिसी लाल मिर्च ले ली है, आधी टीस्पून हल्दी डाल देंगे और एक टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले को टमाटर के साथ अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए हमारे मसाले भी भून गए हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। जो खड़े खड़े टमाटर दिख रहे हैं उसको हम इस तरह से चम्मच से मैश करते जाएंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसमें हम चॉप की हुई लौकी डाल देंगे। तो सारी लौकी डालकर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, मिक्स करते हुए हम इसको भूनेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे हम इसको ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। बाद में हमने इसको खोल लिया, 6 से 7 मिनट इसको दम लगे हुए हो गया था। अब इसको हम खोलते हैं, देखिए भरता हमारा तैयार है। इसमें हम 1/3 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। चटपटे टेस्ट के लिए इसमें हम 1 टीस्पून लेमन का जूस भी डाल देंगे। खट्टा चटपटा टेस्ट हो इस भरते का, इसलिए मैंने लेमन जूस डाल दिया। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टा पसंद ना हो तो आप इसको स्किप करें। और चॉप हरे धनिए से इसको गार्निश करेंगे। तो खूब सा चॉप हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया। हमारा लौकी का भरता तैयार है, आप इसको सैलेड के साथ सर्व करें। हमारा यूनिक स्टाइल लौकी का भरता तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। आपने आलू का और बैंगन का भरता तो बहुत ही खाया होगा, आज आप लौकी का भरता बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह आपको मैं अपनी नई नई रेसिपी पेश करती रहूँ। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।